स्वादिष्ट चटपटी खड़ी मसूर की दाल। दाल की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दाल बनाना शुरू करें। मसूर की दाल बनाने के लिए हमने ली है साबुत मसूर की दाल, ये काली मसूर की दाल भी बोलते हैं इसे। इसको हमने अच्छे से पानी में धो लिया है। अब इसको हम डाल देंगे कुकर में। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 2.5 कटोरी पानी, 2.5 कटोरी मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब हम कुकर को बंद कर देंगे। ये मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पर रखा है और इसको हम लगने देते हैं 2 सीटी। कुकर ने ये 2 सीटी लगा दी। अब हम कुकर की निकलने देते हैं गैस। जब तक इसकी गैस निकल रही है बाकी तैयारी कर लेते हैं। अब हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें डाल देते हैं हम 1 चम्मच घी। ये मैं बड़ा चम्मच यूज कर रही हूँ और घी को हम होने देते हैं गर्म। ये मैं देसी घी यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो इसके लिए तेल भी यूज कर सकते हैं। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं डाल देती हूँ जीरा। आधा चम्मच जीरा डाला है। इसके साथ ही इसमें मैं डाल देती हूँ 1/4 चम्मच राई। राई को चटकने देते हैं। धो लिए हमने बड़ी इलायची। 1 इंची का लिया है हमने दालचीनी का टुकड़ा, 1 कोकम का फूल लिया है और 3-4 लिए हैं हमने तेजपत्ता। इनको हम दाल में डाल देंगे। ये मैंने खड़ा गरम मसाला इसमें डाल दिया है। इसको थोड़ा सा भुनने देते हैं। इसके साथ ही इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। ये हरी मिर्च भुन चुकी है, अब इसमें डाल देती हूँ लहसुन। लहसुन को मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। लहसुन को थोड़ा हम भुनने देते हैं। लहसुन की ली थी मैंने 5-6 कलियाँ। अब 1/2 इंची अदरक लिया था और उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। देखिए इसको भी इसमें डालते हैं। ये हमारा लहसुन और अदरक अच्छे से भुन चुका है, ये देखिए। अब इसमें डाल देते हैं प्याज। प्याज को भी मैंने काट लिया था। और इसको भी हम भुनने देते हैं। जब तक हमारी प्याज भुन रही है हम मसाला तैयार कर लेते हैं। अब हम 1 कटोरी लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और 2 चुटकी ली है मैंने हींग। अब इसमें डाल दूंगी मैं पानी और इसको अच्छे से हम मिला देंगे। इसको अच्छे से फूलने देते हैं। ये हमारी प्याज भी बहुत बढ़िया से भुन चुकी है, ये देखिए लाइट पिंक हो चुकी है। देखिए बहुत बढ़िया से भुन चुकी है। अब इसमें जो मसाला तैयार किया था वो डाल देंगे और इसको भी एकदम अच्छे से भुनने देंगे घी छोड़ने पर। ये देखिए मसाला बहुत बढ़िया भुन रहा है, ये देखिए, और घी भी छोड़ने लगा है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। मैंने छोटे टमाटर लिया है और उसको काट लिया है। तो इसको भी हम भुनने देते हैं थोड़ा। ये टमाटर भी भुन चुके हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं कसूरी मेथी। इसको अच्छे से हम हथेली से रगड़ कर इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी कटा हुआ हरा धनिया।
होगी, हम मिला लेते हैं अच्छे से। अब ये सब भून चुके हैं, अब इसमें हम डाल देंगे दाल। ये देखिए, ये हमारी दाल बहुत बढ़िया से बॉइल्ड हो गई है। अब इसको हम इसमें डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से पकने देते हैं। ये देखिए, दाल बहुत बढ़िया बन रही है, बढ़िया से गल चुकी है। यदि आपको दाल गाढ़ी लगे तो इसमें आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं। मुझे ऐसी ही पसंद है, इसलिए मैं इसको ऐसा ही रखूंगी। ये हमारी दाल बन चुकी है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला और गैस को हम बंद कर देंगे। वैसे तो ये हमारी दाल बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डालना बाकी है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और टेस्टी बनाते हैं। सबसे पहले दाल को हम इस बर्तन में निकाल लेते हैं। ये हमने दाल को बर्तन में निकाल लिया है। इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा धनिया। अब मैंने एक पैन लिया है, और इसमें डाल देंगे हम 2 छोटे चम्मच घी। अब घी की जगह तेल भी डाल सकते हैं। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच जीरा। जीरा भी भुन चुका है, अब इसमें हम डाल देते हैं लहसुन। लहसुन की 3-4 कलियां हमने काट ली थी एकदम बारीक बारीक, अब इसको इसमें डाल। ये लहसुन भुन चुका है, ये देखिए ब्राउन हो चुका है। हमने 2 हरी मिर्च ली, उनको लंबा लंबा काट लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे। और 2-3 लिए हमने लाल मिर्च, इसको भी इसमें डाल देंगे। 1 चुटकी हींग ली है, वो भी इसमें डाल देंगे। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च। अब इसको मैं ये दाल में डाल, ये हमारी दाल खाने के लिए एकदम बढ़िया से तैयार हो चुकी है। इस दाल को गर्मा गर्म पराठों के साथ सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगती है। अब यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक